जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें हैं फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र की, जहां तस्वीरों में एक दरोगा जी अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर लोगों के पीछे दौड़ते हुए दिख रहे हैं। वहीं लोग बाग उनसे डरकर तितर बितर हो रहे हैं। साथ में दरोगा जी के एक कांस्टेबल भी है जो अपनी सर्विस राइफल लेकर लोगों को भयभीत करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल फिरोजाबाद थाना दक्षिण क्षेत्र के परमेश्वर गेट के पास जमीनी विवाद के चलते झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान भीड़ ने पुलिस के साथ अभद्रता की। इस दौरान बचाव में पुलिस ने फायरिंग की। फायरिंग के दौरान दरोगा अपनी सर्विस रिवॉल्वर लेकर भीड़ के पीछे भागते हुए नजर आए। मामला थाना दक्षिण क्षेत्र के परमेश्वर गेट का है, जहां जमीनी विवाद की सूचना पर इलाका पुलिस पहुंची। पुलिस के पहुंचने के बाद एक पक्ष जमीन पर कब्जा करना चाह रहा था, जिसके चलते पुलिस और आरोपी पक्ष के बीच कहासुनी हो गई। इसी दौरान भीड़ ने पुलिस के साथ अभद्रता कर दी। फिर क्या था, दरोगा ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल कर फायरिंग शुरू कर दी। मौके पर और भी पुलिस पहुंच गई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला दर्ज किया गया है और एक गिरफ्तारी की गई है, वहीं बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। अरे जाने पैसा है, गरीब आदमी को प्लॉट गेल लो, पूरा जे वाला प्लॉट है, जे वाला जे बेटा जे गेल लो, जाने गेल लो, सिविल करवाए के जे देखो ऐसे धक्का मारो, धक्का ऐसे देखो, देख 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 गाड़ी जे प्लॉट है, जे वाओ जे वाओ, जे देखो कैसे गली घेर रहे हैं गरीब। जे गली घेर लिये देखो, जे ऐसे जे ऐसे हमने दीवार लगा पाइए बड़े खान इतनी लगान दे रहे हैं, ये देखो। ये नरेश वगैरह और इसका परिवार और इसने कुछ गुंडे बुला लिए थे जी। तो यहाँ पर ये जो है इस ये प्राइवेट गली है, बैनामा में लिखी हुई है जी। पहले से ही तय था ये बैनामा स्कूल के लिए, ये प्राइवेट गली 15 फुट की, इसमें मान लो जिसका गेट नहीं जगह नहीं होगी उसको उसके लिए जगह है जी। तो इनसे ये बातचीत चल रही, सब लोग समझा रहे थे भाई, कल पुलिस आई, पुलिस ने कागज देखे, दोनों पक्ष के कागज देखे, उन्होंने कहा इसमें गेट नहीं कर सकते हो चूँकि प्राइवेट गली है। आज फिर ये इन्होंने यहाँ काम लगाना गेट लगाने के शुरू कर रहे थे, तो पुलिस को बताया, पुलिस आई, पुलिस पे इन्होंने पूरा एकदम विकास दुबे की तरह सब एकदम अटैक कर दिया। पुलिस को मारने लगे, हम लोग यहाँ थे तो सब लोगों पे इन्होंने अटैक कर दिया। फिर पुलिस को हम सब लोगों की उनकी और हमारी सब लोगों की आत्मरक्षा, तो उन्होंने उन्हें फायर करना पड़ा और फिर पुलिस आई तब ये जो यहाँ पे कुछ लोग पकड़े गए। फायरिंग क्या पुलिस ने कर दी थी, किसकी तरफ से हुई थी? पुलिस को करनी पड़ी, तो स्थिति है जी, सारे लोग मारे जाते, पुलिस के लोग मारे जाते, हम लोग मारे जाते, कोई भी कुछ भी हो सकता था, तो पूरा पूरे तरीके से अटैक कर रहे थे। सर एक कोई घटना हुई सर, किस तरह का मामला, क्या कार्रवाई की जा रही है? थाना दक्षिण क्षेत्र में जमीनी विवाद में थाना दक्षिण क्षेत्र की पुलिस गई थी, जिसमें पुलिस मुजामत का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, उसे मुकदमा लिख के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अन्य की गिरफ्तारी की जारी है और आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। कोई पुलिस पर हमला हमला भी किया ऐसा कुछ? हाँ, पुलिस का इन्होंने धक्का मुक्की की थी पुलिस पे, जिसकी वजह से ये सरकारी कानून बाधा और पुलिस मुजामत का मुकदमा लिखा गया है और आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी।